दोस्तों अब इंजन भी अपना NFT प्लेटफॉर्म बना रहा है और इसके लिए इंजन ने वर्चुअल वर्ल्ड के साथ पार्टनरशिप किया है। तो इसका यहाँ पर साफ साफ ये मतलब समझ में आता है कि इंजन जो है अपनी मार्केट को बढ़ा रहा है ताकि इंजन का जो प्राइस है वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर ले और इसका जो मार्केट है वो और तेजी से ग्रो करे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी जो कंपनियां है वो भी NFT के अंदर घुस रही हैं ताकि जो उनका मार्केट है वो तेजी से ग्रो हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो लोग भी इंजन में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं उनके लिए मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अगर आप लोग इंजन में इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं और अभी आप लोग लॉस में चल रहे हैं तो आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि इंजन कितना अच्छा कॉइन है और एक टाइम में इंजन ने काफी अच्छा फायदा दिया है आपको और इसका टाइम वापस से आएगा। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पर इंजन का जो प्राइस है वो दोबारा से आपको अच्छा रिटर्न देगा। तो हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों मैं हूँ नीरज और आप समय हमारे क्रिप्टो न्यूज़ का। दोस्तों बहुत सारी खबरें आ रही हैं बिटकॉइन को लेकर, कार्डेनो को लेकर, तो सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पर उससे पहले अगर आपको मेरे से कुछ पूछना है, पर्सनली बात करना है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आपने मेरे को अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके जल्दी से फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूके में एक सर्वे किया गया था जिसका रिजल्ट आज FCA ने पब्लिश किया है। उस सर्वे में पता चला कि 2.3 मिलियन एडल्ट्स ने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया हुआ है जो कि पिछले साल 1.9 मिलियन था और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने बिटकॉइन को यहां पर होल्ड किया हुआ है। तो दोस्तों इस खबर को देखते हुए यहां पर जो FCA कंपनी है उन्होंने कुछ सोचा है। यहां पर ये देख रही है कि इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है अभी यहां पर क्रिप्टो करेंसी कि इतने सारे लोगों ने यहां पर क्रिप्टो करेंसी को होल्ड किया हुआ है, तो इसको लेकर यहाँ पर FCA कंपनी है वो काफी ज्यादा सोच रही है इसके बारे में। तो यहाँ पर आपको इससे भी रिलेटेड कोई न्यूज देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्रिप्टो करेंसी। अपने इंडिया में तो काफी ज्यादा कम हुआ है अगर हम कंपेयर करें बाहर देशों की तरफ से। तो इसको देखकर यहाँ पर एक चीज तो साफ हो जाता है कि क्रिप्टो करेंसी आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ऊपर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कह रखा है। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं एलोन मस्क ने कुछ दिन पहले कहा था कि बिटकॉइन माइनिंग की वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। उसी का जवाब देते हुए क्रेकेन के CEO ने कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि क्रिटिक्स की माने तो बिटकॉइन एक ग्रीनर है और उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि मस्क को और ज्यादा सीखना चाहिए बिटकॉइन के बारे में। तो यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो बिटकॉइन की माइनिंग है उनके CEO है उन्होंने कहा है कि हम 50% से ज्यादा क्लीन एनर्जी का यूज करते हैं और यहाँ पर आज क्रेकेन के CEO भी यही कह रहे हैं कि क्रिटिक्स यही कहता है कि बिटकॉइन ग्रीनर है। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो कि कह रहे हैं कि बिटकॉइन एक ग्रीनर है, लेकिन यहाँ पर एलोन मस्क जो अकेले हैं वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो आप देखते हैं आखिर एलोन मस्क इनके तरफ क्या करते हैं, आखिर ये मना पाते हैं कि नहीं एलोन मस्क को, क्योंकि दोबारा से यहाँ पर एलोन मस्क को एक्सेप्ट करना होगा बिटकॉइन को। आखिर उन्होंने अपना बिटकॉइन पूरा सेल नहीं किया है, जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि हमने अपना 10% ही बिटकॉइन सेल किया है। तो यहाँ पर हो सकता है दोबारा से जो एलोन मस्क को ये लोग कहते हैं तो यहाँ पर एलोन मस्क इन लोगों की वजह से दोबारा से बिटकॉइन को यहाँ पर एक्सेप्ट करें। आखिर देखते हैं ये न्यूज कब सुनने को मिलेगी, जब भी मिलेगी हम आपको दोबारा जरूर बताएंगे। दोस्तों अगली खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। सुनने में आया कि दोस्तों अगर बिटकॉइन अपना 41,000 वाला रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये सीधा पंप करेगा 45,000 वाले रेसिस्टेंस पे, क्योंकि दोस्तों 14 जून को बिटकॉइन के अपट्रेंड कैंडल ने अपने रेसिस्टेंस को टच करके ये नीचे आया है और ये इंडिकेट करता है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में $45,000 पे जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि यहाँ पर एक डेथ क्रॉस भी आ रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। यहाँ पर ये जो दो EMI आपको दिख रही है, ये दो EMI अगर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है यानी टकराएगी तो यहाँ पर बिटकॉइन का डेथ क्रॉस हो जाएगा। तो इसके वजह से अगर डेथ क्रॉस होता है तो यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा, जिसके वजह से हमारा जो मार्केट है वो काफी ज्यादा नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज मत भूलिएगा, काफी अच्छी अच्छी न्यूज आई है बिटकॉइन को लेकर। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये जो डेथ क्रॉस यहाँ पर दिखा रहा है यहाँ पर ये ना हो, शायद यहाँ पर इंटरसेक्ट करके चला जाए, तो शायद ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर डेथ क्रॉस ना हो। पर आई होप कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी है, किसी का इस पे काबू नहीं है। तो देखेंगे क्या होगा, आखिर हम तो यही मनाएंगे कि यहाँ पर डेथ क्रॉस ना आए। दोस्तों आज जीविका के लिए अच्छी खबर है, आज जीविका ने पार्टनरशिप कर लिया है फॉरेक्स के साथ और ऐसा इन्होंने इसलिए किया है ताकि जीविका को थोड़ा बूस्ट मिल सके। आप लोग जानते हैं जीविका का प्राइस अभी आप देखेंगे तो 8 या 9 रुपए समथिंग कुछ ऐसा चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने ऐसा बूस्ट करने के लिए किया है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं फॉरेक्स पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डीलर है। तो यहाँ पर आप ऐसे फिंगर क्रॉस करके रखिए, हो सकता है जीविका का जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में आपको पंप होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया है। आप लोग जानते हैं किसी भी कॉइन किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है तो यहाँ पर इसका जो प्राइस है कॉइन का वो बढ़ता है।
दोस्तों आज NRCC US House Republican कैंपेन आर्म तैयार हो गई है बिटकॉइन को एज ए डोनेशन एक्सेप्ट करने के लिए। एक रिपोर्ट्स की माने तो NRCC ने पार्टनरशिप किया है बिटपे के साथ। अब इसका मतलब ये होगा कि क्रिप्टो डोनेशन को NPCC के अकाउंट में जमा करने से पहले उसको बिटपे से कन्वर्ट किया जाए US डॉलर में, फिर उसके बाद वहां पर NPCC अकाउंट में जमा किया जाए। और दोस्तों NRCC पहली नेशनल पार्टी है जिसने बिटकॉइन को एज ए डोनेशन एक्सेप्ट करना शुरू किया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पहली पार्टी है। अब हो सकता है यहाँ पर और भी कई पार्टियां निकल आ जाएं, क्योंकि हमने यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी कई खबर सुनने को मिला है, लेकिन अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन हो सकता है जब एक शुरुआत करेगा तो दूसरा और उसको देख के शुरुआत करेगा। जैसे तो यहाँ पर बहुत बड़ी खबर आ रही है बिटकॉइन को लेकर। जब से टेस्ला ने कहा है कि अगर ये 50% से ज्यादा ग्रीन एनर्जी का यूज करेगा तो टेस्ला इसको फिर से एक्सेप्ट कर लेगी। यहाँ पर आज जनरल मोटर्स की तरफ से खबर आई है, इन्होंने कहा है कि जल्द ही हम भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे एज अ पेमेंट। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि जो पब्लिक है उनका डिमांड काफी ज्यादा आ रहा था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, इसी के लिए यहाँ पर उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि अब हम भी क्रिप्टो करेंसी में एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं US में बहुत ही बड़ी कंपनी है जनरल मोटर्स की, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर एक्सेप्ट करी है। तो यहाँ पर जो टेस्ला है, यहाँ पर अगर दोबारा से इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और वहां पर जनरल मोटर्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो जाता है कि जो डेथ क्रॉस आने वाला है वो शायद ना आए यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां एक्सेप्ट कर रही हैं और बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन करेंगी। अगर करेंगी तो बिटकॉइन का प्राइस और ऊपर जाएगा, उसके वजह से यहाँ पर जो EMI मैंने आपको बताई है वो भी ऊपर जाएंगी और अलग अलग हो जाएंगी, और एक बार अलग हो जाएंगी तो यहाँ पर डेथ क्रॉस का डर निकल जाएगा। दोस्तों रिपल के सेफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर डेविक के अनुसार से अमेजोन अपने ब्लॉकचेन सर्विस के लिए XRP लेजर का फेडरेट साइड चेन को यूज कर सकती है, और इसके लिए XRP अपने सॉफ्टवेयर में डेवलप भी कर रही है। और XRP चाहती है कि Amazon हमारे लेजर को एक्सेप्ट करे, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं अगर Amazon एक्सेप्ट करेगी XRP को तो XRP की प्राइस कितना ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर XRP भी यही चाहती है, और Amazon का नाम निकल के आ रहा है दोस्तों 4-5 दिनों से, काफी ज्यादा दिनों से यहाँ पर Amazon का नाम निकल के आ रहा है। तो हो सकता है Amazon भी जल्द ही क्रिप्टो करेंसी में कदम रखे और XRP को यूज करे, और ऐसा करती है तो XRP का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ेगा। तो दोस्तों यही थी कुछ आज की क्रिप्टो न्यूज, आशा करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको ऐसी वीडियो में। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।